हेलो एवरीवन, ज्योतिष ड्रीम चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, एक्चुअली मैं शॉपिंग करने गई थी गजानन मार्केट। आपको तो पता है उल्लासनगर 2 नंबर में गजानन मार्केट है, तो वहाँ से मैं थोड़े बहुत शॉपिंग की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो चीज़ें शेयर की जाए, तो मैंने इसका एक वीडियो बना लिया है और आप तक जो है कल तक पहुँचेगा। आप लोग देखना ज़रूर, और आपको कौन सा सामान ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताना। मैंने मेरे घर में गुड़िया आई हुई है, तो मैंने उसके लिए भी कुछ सामान खरीदा है, शायद आपको अच्छा लगे, मेरी पसंद शायद आपको अच्छा लगे। तो गजानन मार्केट बहुत बड़ा है, वहाँ पे होलसेल रिटेल सारे सामान मिलते हैं। अगर आपको बंडल में चाहिए तो ऐसे बहुत सारे दुकान ऐसे भी हैं जो बहुत सस्ते में भी देते हैं, बट हम लोग रिटेल लेते हैं क्योंकि हम लोग को एक ही दो चाहिए होता है। तो अगर आप कभी नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, उल्लासनगर 2 नंबर का गजानन मार्केट आप ज़रूर देखिए, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कल बहुत बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने, आज छठी था गुड़िया का, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं उसको कुछ लेना चाहिए, और क्या बताऊँ छठी भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत वापस से ख़राब हो गई है, क्योंकि उसको थोड़ा जो डोज चलाए थे, दवा चलाए थे, उससे थोड़ा उसको स्वेलिंग हो गई है किडनी में थोड़ा सा, तो उसकी वजह से उसका वापस से डॉक्टर ने इसको एडमिट कर लिया है। सीजर के बाद जो डॉक्टर दवा वगैरह चलाए थे उसके वजह से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गया है, तो वापस से डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया है। तीन से चार दिन देखो कब तक वो रहती है। तो आज गुड़िया का छठी था तो मैं उसको कपड़े नहीं दी, मैं बोली जाने दो मंडे को पहनाऊंगी, क्योंकि कल संडे है और आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा चलो मंडे को अच्छा दिन है, फिर उसको नया कपड़ा पहनाएंगे हम। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम आपको एक एक करके सारे सामान को दिखाते हैं। मेरी जो काव्या है वो आपको, आओ काव्या, ये एक एक चीज़ मुझे देगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है, ठीक है। बच्चों के भी थोड़े बहुत सामान ख़त्म हो गए थे तो मैंने वो सब भी खरीदा है, ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने खरीदा था, ये मैंने काव्या के लिए कपड़ा खरीदा था, क्योंकि वंश का बर्थडे आ रहा है 28 अगस्त को। मैं मार्केट जाऊँ और काव्या के लिए कुछ नहीं खरीदूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं किसी के लिए कुछ नहीं खरीदूँगी चलेगा, लेकिन मैं काव्या के लिए जरूर एक सामान जरूर खरीद के लेके आती हूँ। तो ये ऊपर का टॉप है, ये कुछ मेहंदी कलर का है, और ये इसका स्कर्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला कलर, वंश आप आगे सटो। उसके बाद मैंने गुड़िया के लिए खरीदा है, नहीं वंश के लिए मैंने खरीदा, क्योंकि वंश का 28 को बर्थडे है, तो मैंने सोचा एक वंश के लिए भी ले लेती हूँ मैं। तो ये वही मेहंदी कलर का है, मेहंदी कलर का, तो मैंने सोचा भाई बहन दोनों सेम ही रहेंगे। और ये उसका पैंट है, ये मैंने वंश के लिए लिया है। नेक्स्ट जो है वो है, मैं आपको गुड़िया का दिखाती हूँ। छोटे बच्चों का कपड़ा इतना अच्छा मिलता है ना कि क्या बताऊँ मैं, ऐसे लगता है कि गर्ल्स के लिए, वो भी जेंट्स बॉयज के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए। ये देखो ये कपड़ा मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, पता नहीं क्या इसका नाम वो लोग बताए थे, ये बहुत बहुत प्रीटी लग रहा है ये कपड़ा, आप देखो गुड़िया पहने की बहुत अच्छी लगेगी। मैंने जानबूझ के बड़ा नहीं लिया, मैं बोली ताकि उसके साइज का कोई कपड़ा तो उसके साइज का रहे, ताकि वो फोटो वोटो निकाले तो अच्छा लगे, यही है। उसके बाद गुड़िया के लिए मैंने एक ये खरीदा था, ये भी बहुत सुंदर है, एक ही बार में मुझे पसंद आ गया था ये इसका कॉलर है, ये है। तो मैंने दो जो है गुड़िया के लिए लिया था, और उसके बाद मैंने ये, मेरा जो है ये क्या बोलते हैं, कंडीशनर खत्म हो गया था, तो मैंने एक मामा अर्थ का कंडीशनर खरीदा था, ओनियन एंड कोकोनट का। एक बार खरीद लो तो आराम से 3 से 4 महीने आराम से चल जाते, क्योंकि हम रोज नहीं लगाती हूँ मैं, कभी कुछ रहता है तभी लगाती हूँ, नहीं तो शैम्पू से ही काम चला लेती हूँ। और बच्चों का भी, कैसे ठंडा मौसम चल रहा है, तो मैंने एक ये जॉनसन्स बेबी का ये लोशन खरीदा था, और ये जैतून ऑयल खरीदा था मालिश करने के लिए, और एक ये एलोवेरा का
डिब्बा खरीदा था। ये एक बार खरीद लो ना आराम से, बहुत दिन दिन तक चलते हैं, मतलब 4 से 5 महीने आपको छुट्टी हो जाती है। उसके बाद ये मैंने स्क्रब खरीदा था, मेरे पास क्रीम था, मसाज क्रीम था, बट मेरे पास स्क्रब नहीं था तो मैंने स्क्रब खरीदा। और उसके बाद मैंने ये फेस पैक, आपको तो पता है मसाज करते समय क्रीम स्क्रब एंड फेस पैक लगता है, तो ये मैंने तीनों डॉक्टर रशेल का लिया है, विटामिन सी। जल्दी नहीं, कभी कभी ऐसे कुछ रहता है ओकेजन तो मैं थोड़ा सा अपना कर लेती हूँ, पहले क्रीम और ये सब कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये हिमालय का, अभी मैंने कुछ दिन पहले जॉनसन्स लगाया था लेकिन मैं हिमालय का ले लेती हूँ, तो मैंने ये बेबी पाउडर लिया था, ये भी बहुत दिन तक चलने वाला है। मोबाइल गिर गई थी, एक मिनट। उसके बाद मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया था, मेरा कॉम्पैक्ट वंस ने गिरा गिरा के पूरा ख़राब कर दिया था, तो मैंने एक ये खरीद लिया था कॉम्पैक्ट, ये भी बहुत दिन तक चलने वाला है। कोई भी एक सामान अगर आप खरीदते हो ना तो बहुत बहुत दिन तक चलता है। नेक्स्ट मैंने ये एक ब्राउन कलर और ये एक ब्लैक कलर का मैंने आईब्रो पेंसिल खरीदा था, और एक एक गोल्डन कलर का, क्या है ये, हिलेरी रोडा का ये है आईलाइनर है, और ये एक मस्कारा भी खरीदा था मैंने, मस्कारा मेरा ख़राब हो गया था और ये 10 रुपए की कर दी, क्योंकि तीज आने वाला है तो कुछ कुछ सामान नहीं थे। चूड़ियाँ लेनी थी मुझे बट चूड़ियाँ नहीं ले पाई मैं, क्योंकि बारिश कल बहुत ज़्यादा था। और मैंने डायपर्स लिए थे बच्चों के लिए, एक एल साइज का और एक एम साइज का, नहीं न्यूबॉर्न बेबी के लिए लिया था मैंने, मैं गई थी तो मैं बोली ले लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी गजानन मार्केट कौन आएगा, क्योंकि दुकान जो जहाँ से मैं लेती हूँ वो मुझे ही पता है, तो मैं वही खरीद ली थी डायपर। और एक मैंने, मेरे पास सेम कलर का येलो कलर का लहंगा है, सेम कलर का, तो मैंने मेरी ननद की लड़की को देने के लिए मैंने ये सेम कलर का लहंगा खरीदा है। क्या चाहिए, उधर को दे दो, उधर जाकर दे दो। तो इसमें जो है जैकेट भी है, दुपट्टे भी हैं, प्लस ऊपर का ब्लाउज भी है, स्कर्ट भी है, तो काफ़ी वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे पास सेम कलर का है, सेम कलर का है, खाली मेरी साइज बड़ी है और मैंने मेरी ननद की लड़की के लिए छोटा साइज लिया है। तो ये उसका ऊपर का है, ये इसके ऊपर का है, ये आप देखो, ये लहंगा बहुत अच्छा लगता है मुझे, येलो कलर, और येलो कलर सब पे बहुत खिलता है। और इसका ये नीचे का पोर्शन स्कर्ट है, विजिबल है कि नहीं आपको, और उसके बाद ये इसका जैकेट है, ये इसका जैकेट है, ये इसका जैकेट है, ये मुझे एक्चुअली येलो कलर बहुत पसंद है, और ये इसका दुपट्टा, तो मतलब बहुत सुंदर लग रहा था ये लहंगा और ये सब सारी चीज़ें। कलर एक्चुअली मुझे, मैंने पहना था ना तो बहुत खिल रहा था, तो मैंने यही सेम टू सेम मैंने मेरी ननद की लड़की के लिए, क्योंकि वो घाई घाई में चली गई थी तो मैं ले नहीं पाई थी उसको देने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अभी खरीद कर रख लेती हूँ, बाद में जब मेरी ननद जाने लगेगी तो मैं उसको दे दूँगी, ठीक है। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कौन सा सामान सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये मैं तो सब यूज़ करने ही वाली हूँ, क्यों ना आपके साथ ये वीडियो बना के शेयर किया जाए, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना लिया। आई होप आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा, छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाय।